वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पर। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहला लेक्चर लाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी आपके लिए है, और कम्युनिकेशन चैप्टर्स है, ये 11 के लिए चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों। इस चैप्टर में ना थोड़ा सा हम लोगों को, मुझे लगता है कि रट्टा मारना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हमेशा फिजिक्स में आप तो कहते हो कि कॉन्सेप्ट कलेक्ट करो यार, कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी है जो कि आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ, और साथ में बच्चों आप लोगों को कोई चीज पे रट्टा भी मारना पड़ता है। क्यों सर? सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 13वां नंबर का जो चैप्टर से क्लास 11 के लिए, उसमें से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहले कुछ चीजें पढ़े थे हम लोगों के, लेकिन पता ही नहीं था कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है और इससे ये चीजें हम लोगों को सीखने मिलेगी। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा, एक्सरे नाम सुना होगा, एक्सरे निकालते होंगे, है ना, या गामा रे नाम भी सुना होगा, माइक्रो ओवन। देखो घर में रसोई में हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं, तो ये सभी इसी पार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें से सबको चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। कैसे? देखो, इन ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन या सिक्वेंसली अरेंजमेंट किया गया है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। देखो सब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को एक जगह पे इकट्ठा किया, बाद में एक छोटे छोटे ग्रुप को तोड़ के मैंने उसकी पढ़ाई की। कैसे की है? बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर की प्रॉपर्टीज अलग है, मैं प्रॉपर्टीज भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लेना यार। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब कुछ नहीं भैया, एक ग्रुप है ऐसा, सिक्वेंसली ग्रुप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का बोल सकते हैं आप लोग, और उसको टुकड़े करते करते उसके नाम दिया अलग अलग, और उसकी हर की प्रॉपर्टीज भी अलग है। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गिवन टेबल दे वाला बाद में मैं बात करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। सबसे पहले भैया एक बात बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे गामा रे एक्सरे ऐसे पढ़ाते, कुछ लोग रेडियो वेव से चालू करते हैं। अगर आपको याद ही रखना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेडियो, ठीक है, वेव्स है, ठीक है, बाद में माइक्रोवेव्स, क्यों इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद में इंफ्रा रेडेज भैया, यू वी रेज है, ठीक है, बाद में एक्सरे है भैया मेरे पास, और ये गामा रे है। देखो रेडियो मिर्ची, हम लोग औरंगाबाद में, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहता हूँ, तो रेडियो मिर्ची आई लव यू है ना, मैंने एक छोड़ दिया है लाइट विजन, ये देखो ये जो है ना विजिबल लाइट कहते हैं उसको, विजिबल लाइट, ठीक है, एक छोड़ दिया था ना। तो देखो रेडियो नाम कैसे रखना याद, रेडियो मिर्ची है ना, रेडियो मिर्ची आई है ना लव यू, रेडियो मिर्ची मुझे बहुत पसंद है इसलिए लिखा है। देखो रेडियो मिर्ची आई लव यू, ठीक है, जेरोक्स गन, ठीक है, तो इसको याद कह सकते हैं। देखो यहाँ पे रेडियो मतलब रेडियो वेव्स, मिर्ची मतलब माइक्रोवेव्स, आई मतलब इंफ्रारेड है ना, लो मतलब लाइट, कौन सी, लेकिन विजिबल लाइट है, ठीक है, यू मतलब यूवी रे, ठीक है, जेरोक्स गन मतलब गामा रेज बोलते इसको, गन मतलब गामा। देखो जेरोक्स है ना, आप लोगों ने जेरोक्स गन याद रख रहे ना, कैसे, रेडियो मिर्ची आई लव यू, रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स, आई मतलब इंफ्रारेड, लो मतलब क्या है लाइट, विजिबल लाइट, यूवी, यू मतलब क्या यूवी रेज, और जेरोक्स मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, तो जेरोक्स मतलब एक्सरे, गन मतलब गामा रे, इसको याद रखने, इस यहां से उल्टा याद रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे याद रह सकता है। क्या बच्चों आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, एक फार्मूला है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। देखो कुछ बच्चे न्यू के जगह पे या इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू के जगह पे या, मतलब ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ेगी, या हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, तो इसी को हम लोग एच है ना C बाय लैम्बडा लिख सकता हूँ यहाँ पे E। मतलब भैया दोनों में से कुछ भी फार्मूला रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी को याद रखो या वेवलेंथ, लेकिन एक बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वेवलेंथ का उल्टा है भैया, वेवलेंथ का कैसा उल्टा है, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी कम होती है। तो अगर आप लोग यहां से, अगर यहां से याद रखते हो
या है ना, गामा रे, एक्सरे, ये हुई है विजिबल रीजन जो आंखों से देख पाते हैं, ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स है ना, ये रेडियो वेव्स में है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स बताएंगे। तो अगर आप लोग इधर जाओगे तो वैसे 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 हमारी क्या होगा भैया, वेवलेंथ बढ़ेगी, उल्टा होता है, देखो ना यहाँ पे इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है आपको, तो आपकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से इंक्रीज होगी, मतलब वेवलेंथ अगर ऐसी बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी उल्टे दिशा में बल, मतलब इधर आओगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर गामा रे, समझे, सबसे वेवलेंथ ज्यादा किसकी है भैया, लॉन्ग रे। अब वेवलेंथ क्या होती है मैं बता देता हूँ, देखो भैया आप लोगों ने ये वेव्स पढ़ी होगी साउंड नाम के चैप्टर में, ठीक है, इसको हम लोग टोटल इसको कहते हैं लैम्डा, मतलब इधर लैम्डा बढ़ रहा है, मतलब इधर फ्रिक्वेंसी ज्यादा, देखो इधर ये जो है ना, मैं बता दूंगा वेवलेंथ के हिसाब से भी, मतलब इधर है ना वेवलेंथ छोटी होगी ऐसे ऐसे, देखो वेवलेंथ छोटी, बाद में बढ़ रही है, बढ़ रही है ना वेवलेंथ, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, देखो मतलब देखो यहाँ की ये देखो क्रस्ट, क्रस्ट ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं भैया, नीचे वाले को ट्रॉफ, तो क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच में का डिस्टेंस भी लैम्डा होता है, या एक क्रस्ट एक ट्रफ को हम लोग लैम्डा कह सकते हैं, या ट्रफ टू ट्रफ के बीच में भी लैम्डा बोलते हैं, आपकी मर्जी यार, कुछ नहीं, सब डिस्टेंस मिला के 2 पाई होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान में रखनी आपको। तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही, बढ़ रही, देखो वेवलेंथ बढ़ रही, देखो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, दिख रही है ना आपको, इसको वेवलेंथ कहते हैं, मैंने अभी अभी बताया इसको वेवलेंथ कहते हैं आप लोग, तो ये वेवलेंथ बढ़ रही है इधर, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये नंबर्स ऑफ वेव, नंबर्स ऑफ वेव्स कितने, इधर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो इधर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इतने देखो इसमें देखो जूम 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 है ना, ये ज्यादा, मतलब यार कैसे बताऊं आपको, ये देखो ये ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, अब मैं फ्रीक्वेंसी कम निकाल रहा हूँ, देखो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, समझे, लेकिन वेवलेंथ बड़ी होगी, बात समझ में आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसको कहते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ज्यादा है, देखो ये फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा वेव, नंबर्स ऑफ वेव ज्यादा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नंबर्स ऑफ वेव कम है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, बात समझ में आ रही है, तो इस कहानी में ये समझ में आ रहा है, तो आपको याद कैसे रखना है, रेडियो मिर्ची आई लव यू, मतलब मुझे रेडियो मिर्ची बहुत पसंद है ना, किसी लड़की का नाम नहीं लेना भैया, हाँ हम लोग बहुत लड़की का नाम लेने में मास्टर नहीं रहे सर, और बाद में एक्सरे गन याद कैसे रखा है, एक्सरे गन, देखो रेडियो मिर्ची आई लव यू, तो इधर से है, तो ये विजिबल, देखो ना हम बोलते हैं ना जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना उसका लाइट ज्यादा, देखो रेड लाइट ज्यादा हम लोगों को दिखता है, तो देखो ये जो विजिबल है 400 से 700 के बीच में, ज्यादा वेवलेंथ उसका रेड लाइट देखो ज्यादा, देखो यहाँ पे थोड़ा अंधुक अंधुक बाद में बहुत ज्यादा कलरफुल है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, अब एक्सरे क्या है, गामा रे क्या है, यूवी क्या है, उसका यूज क्या है, रेडियो यूज क्या है, सब पढ़ेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, उसका प्रोडक्शन देखेंगे, सब चीजें पे ध्यान देने वाले हैं, बढ़ना आगे भैया, चलो मैं आगे जा रहा हूँ, सबसे पहले रेडियो व्यूज पढ़ेंगे, रेडियो मिर्ची बजाते रहो सर, देखो रेडियो व्यू इज प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज कंडक्टिंग वायर, जो चार्ज कंडक्टिंग वायर होती है इसका जो एक्सेलरेशन होता है चार्ज का, चार्ज जो होते हैं ना उसके जब एक्सेलरेशन होता है उससे रेडियो पैदा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस द सर्किट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, दे चूजिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटर द रेडियो योर डिजायर फ्रीक्वेंसी कैल बी, आप लोगों ने इसके पहले ऑक्सीलेटर पढ़ा होगा, देखो ये कैपेसिटर होता है और ये के इंडक्टर्स होता है, ऐसे 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 याद होगा आप लोगों को, आपको अगले साल मिले, ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम होना, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव, ये जब जाता है तो इसमें से ये ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार होते हैं, ऐसे कहें मतलब रेडियो वेव्स तैयार होती है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मोशन होने के कारण, कंडक्टिंग चार्ज के कारण, इतना याद रखना, क्या है किससे प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज, एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक बात ध्यान रखना भैया, हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि इधर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतना बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस द सर्किट डिपेंड अपॉन, मतलब भैया यहाँ पे एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो इसकी जो वेवलेंथ है वेवलेंथ ज्यादा है या सी बाय लैम्बडा, तो एनर्जी कम है भैया, रेडियो वेव्स की एनर्जी कम है, ठीक है, यहाँ पे
और वेवलेंथ ज्यादा है बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। देखो मैंने अभी बताया इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, कहां से कहां है, रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। देखो बच्चों ये याद करने वाली चीज है, बकवास है यार ये बकवास। हाँ सर क्यों बोल रहे सर बकवास, क्योंकि भैया इसको याद करना पड़ता है, मेन चीज जो समझ में आ रही है याद करना है इसको। बस वेरी लॉन्ग वेवलेंथ है उसकी, लॉन्ग वेवलेंथ क्यों मैंने बताया ना, आप लोग जैसे जैसे इधर जाओगे देखो इधर वेवलेंथ बढ़ती बढ़ते बढ़ते जा रहे। तो इधर था गामा रे है ना, एक्सरे है ना, ये था माइक्रोवेव्स रेडियोवेव्स, तो रेडियोवेव्स पढ़ रहे, तो वेवलेंथ ज्यादा है इसकी। कहां से कहां, फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एएम बैंड 530 किलो हर्ट टू 1710 किलो हर्ट से। अब आपको पता है भैया वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा है इसकी तो फ्रीक्वेंसी कम है भैया। फ्रीक्वेंसी ऑफ यू यूज फॉर द टीवी का ट्रांसमिशन रेंज फ्रॉम है हमारी जो है वो 54 मेगा हर्ट टू 890 मेगा हर्ट, वाइल चूज द एफएम रेडियो बैंड रेंज 88 मेगा टू, ये कर सकते हैं हम लोग ठीक है। तो ये याद करना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम लोग इसका ठीक है। पढ़े पढ़ते भैया यूजेस क्या है, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस। रेडियो वेव्स से क्या है, जैसे कि कोई टावर होता है, आप लोगों ने टावर देखा होगा इसे, और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर इमिट होते हैं, मतलब कौन हो रहा है यहाँ पे, रेडियो वेव्स बाहर निकल रहे। तो यहाँ पे आजकल आप लोग देखते हैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पा रहे भैया, या वाईफाई की रेंज है, तो ये रेडियो वेव्स है भैया, ये वायरलेस कम्युनिकेशन, कोई वायर की जरूरत नहीं है। दे आर यूज फॉर द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी टीवी के सिग्नल हम लोग इससे भेज सकते हैं, सेंड कर रहे टीवी के सिग्नल सेंड कर रहे, सेलुलर फोन ही यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी से हम लोग यहाँ पे जो फोन पे बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है यार, इसके लिए वायर की जरूरत नहीं है हम लोगों को, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूँ भैया, ये हो गया रेडियो वेव्स ठीक है। हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हल है, यहाँ पे हमने क्या किया था, टाइप कौन कौन सी वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसकी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी प्रोडक्शन और डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखो रेडियो वेव्स जो है भैया ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है, अब वेवलेंथ को हम करने जा रहे हैं कम 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 ठीक है, ये वेवलेंथ है भैया, वेवलेंथ कम हो रही है। और यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कम हो रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उल्टा होता है। मैंने अभी बताया आपको कि E इज इक्वल टू एच न्यू फार्मूला, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा है ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली तो वेवलेंथ इनवर्सली है। तो वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ठीक है। ये देखो वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही इधर, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे बढ़ेगी, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ये फ्रिक्वेंसी इधर बढ़ रही है, ऐसे 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 नीचे आओगे बढ़ेगी, और वेवलेंथ ऐसे उल्टा होना चाहिए बस। देखो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है भैया, ये याद ही करना पड़ता है ठीक है। एक बात बताओ भैया, जो बच्चे इसको ध्यान में रखते हैं ना, उनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैंने आपको बता दिया कि इसको याद करने का तरीका होता है, रेडियो मिर्ची आई लव यू, देखो रेडियो मिर्ची आई लव यू है ना, और ये झेरोक्स गन, झेरोक्स गन, ये दोनों वर्ड थोड़ा सा अलग लगता है ठीक है। रेडियो मिर्ची मुझे पसंद है, तो कैसे बोलोगे, रेडियो मिर्ची आई लव यू, आई लव यू, और ये समझ में आ रहा है, झेरोक्स गन। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो 0.1 मीटर से ग्रेटर है इसकी वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम है, देखो 3 × 10⁻³ टू 3 × 10⁸ ये हर्ज में होते हैं, ये यूनिट है भैया फ्रीक्वेंसी का ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखोगे ना बीच में का, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बोलेंगे सर क्या आइडिया है आपके पास, देखो एक बात बोलता हूँ, ये बीच में देखो एक दो, देखो एक दो तीन, इधर भी तीन है ठीक है, बीच में कौन है, ये है लाइट, है लाइट है कि नहीं, तो ये 700 से 400 याद रखना है। मुझे बताओ भैया ज्यादा ये है तो यहाँ पे लाना है, ये इसको इधर लाना है, समझे, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ये ज्यादा है ना भैया 400, तो 400 ले लो, 400 से 1 नैनो, 1 नैनो से 10⁻³, ये 10⁻³ से ज्यादा नैनोमीटर। अब ये जो है ना 700 इधर ला लो ठीक है,
तो सेम यहां पे नैनोमीटर लिया था ना आपने 400 से, तो यहाँ पे मिलीमीटर, क्योंकि भैया हम लोग नहीं कि वेवलेंथ को बढ़ा रहे, नैनोमीटर छोटा यूनिट है भैया, नैनो मतलब 10^9 और मिली मतलब -6 होता है। बात समझ में आ रही है ना? देखो 700 से 400 है, तो 400 यहाँ उठाओ, ये इधर उठाओ, हमने क्या बोला इसके बाद में एक लेना है, इधर भी एक लेना है, लेकिन लेते समय मुझे ये छोटा यूनिट होना चाहिए। मैंने बोला छोटा होना चाहिए मतलब नैनोमीटर होगा, ये छोटा है, छोटा नैनो लेते हुए मैंने मिली लिया, मिली बड़ा यूनिट है, नैनो से बड़ा है, बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं यार, समझे? गॉट इट? एक्सरे देखो इसको याद कैसे रखा मैंने, रेडियो मिर्ची आई लो यू है ना, जेरोक्स गन, बस ये याद आपको करना पड़ेगा, इस डबल को याद करने के तरीका ही भैया वही। अब इसको 3 × 10^3 × 10^8, ये 3 देखो ये यहाँ ही लाना है, 11 देखो ठीक है, 11 से क्या कहे अब फिर मैंने, देखो 3 का फर्क है क्या यहाँ पे, देखो 8 से 3 बड़ा, 11 में 3 बड़ा पावर का, ठीक है समझे? यहाँ पे सेम है भैया 4 × 10^14 टू 8 × 10^14, ठीक है यहाँ पे 8 × 10^2, इसको याद ही करना पड़ता, वो धीमे धीमे आप हमेशा पढ़ोगे तो ही याद रहेगा। अब देखते प्रोडक्शन कैसे वाला, रेडियो इसकी वेवलेंथ है ग्रेटर दैन 0.1 माइक्रो, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 × 10^8 टू 3 × 10^8 बोलो, रैपिड एक्सेलेशन जो होता है ठीक है, या डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एरियल इससे होता है, रिसीव द एरियल कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, माइक्रोवेव 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, 0.1 मीटर मीटर है सॉरी, टू 10^1, 3 × 10^8 इसकी फ्रिक्वेंसी। अब इसका जो है भैया मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है यही चीज पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो दूसरा, पहले हमने रेडियो देखा, अब माइक्रोवेव देखने जा रहे हैं, माइक्रोवेव, माइक्रो नाम से लग रहा है माइक्रो, नहीं माइक्रोवेव नहीं, एक्चुअली इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, लोगों को लग रहा है माइक्रोवेव, नहीं इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है क्यों ज्यादा है, आपको पता है कि रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में इसकी थोड़ी कम होती है। देखो दिस वेव डिस्कवर बाय द हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 1888 में उसको मतलब सर्च किया था, माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सुलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, है ना, ये जो मैंने बताया था कैपेसिटर रहता है और ये इंडक्टर, ठीक है इसको ऑक्सुलेट करने के कारण यहाँ पे माइक्रोवेव जनरेट होते भैया, ठीक है क्या बोल रहा है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय द ऑक्सुलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दे कैन प्रोड्यूस अ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब होती है, स्पेशल एक वैक्यूम ट्यूब होती है उससे तैयार किया जाता है, व्हाट इट वैक्यूम ट्यूब से, व्हाट इट समझ में आ रहा है, तो इससे तैयार किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या भैया ये देखो, ये हम लोग ने क्या पूरे डिटेल में पढ़ रहे नहीं, अगर पढ़ते बैठेंगे तो आपको रात दिन लगेगा, उसके लिए बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। एक्चुअली कैपेसिटर ये एलसी सर्किट कैसे होते हैं बता रहा हूं मैं, एलसी सर्किट कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखो ये दे हीट सर्टन सब्सटेंस दे आर द इंसिडेंट, ठीक है दे कैन डिटेक्ट द क्रिस्टल डिटेक्टर से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सर्टन हीट सब्सटेंस ऑन विद दे आर इंसिडेंट, इंसिडेंट होने से कोई यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि हीट सर्टन सब्सटेंस पे ऑन विद दे आर इंसिडेंट, कोई चीज इंसिडेंट होने से हीट सर्टन यहाँ पे तैयार होती है और इलेक्ट्रो माइक्रोवेव्स वहाँ पे हम लोग तैयार कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल डिटेक्टर डिटेक्ट करने की मशीन होती है, क्रिस्टल डिटेक्टर से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस क्या है भैया देखो, यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, टीवी सिग्नल को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं माइक्रोवेव से, हम लोग बोलते हैं ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें माइक्रोवेव्स होते हैं, हमारे घरों में हम लोग ने क्या जैसे कि देखो बड़े बड़े मॉल में या कहीं भी कहीं खाने की है ना चीजें खाते हैं हम लोग बाहर जाके, तो माइक्रो ओवन में गर्म कर पॉपकॉर्न है ना, या पॉप ये जो गर्म करके देते हैं हम लोगों को, ये माइक्रो ओवन में रखते हैं उसको और वो देते हैं डायरेक्टली गर्म करते हैं, मतलब मॉर्निंग की चीज़ भी गर्म खा सकते हैं, तो ये माइक्रो ओवन थे घरों में भी होते हैं आजकल, यूज इन द रडार सिस्टम फॉर द लोकेशन ऑफ, मतलब आप है ना एरोप्लेन कभी कभी घूम जाता है बड़े बड़े है ना जंगल गिंगल होते हैं कुछ होते हैं तो वहाँ पे गिर जाता है कभी, तो या कभी शिप घूम जाती है तो उसको लेके हम लोग डिटेक्ट करने के लिए इसका लोकेशन, ये हमारी शिप कहाँ होगी एरोप्लेन कहाँ होगा ये
ढूंढने के लिए माइक्रोवेव को सेंड किया जाता है और रिपीट जब आते हैं तब हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा शिप और एरोप्लेन कहाँ है। दे आर यूज टू स्टडी द एटॉमिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक का मॉलिकुल का स्ट्रक्चर क्या है ये जानने के लिए भी माइक्रोवेव को हम लोग भेज के सेंड करते हुए हम लोग ये कर। भैया ये देखो ये बहुत वास्ट है, आपको है ना कम से कम इसके यूजेस हजारों मिलेंगे, ठीक है, थक जाएंगे आप, बोलेंगे सर इतने बड़े यूजेस होते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, ठीक है। आगे थर्ड है भैया इंफ्रारेड रे, दीज वेव डिस्कवर बाय द विलियम नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 18 में ये सर्च किया है। ऑल हॉट बॉडी आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड, देखो जितने भी हॉट बॉडी है जैसे कि हमारा मेन सोर्स कौन है पता है, सन है, वहां से जो भी यहाँ पे जो सन के रेडिएशन आ रहे तो जितने हॉट बॉडीज होंगे वो हॉट बॉडीज इंफ्रारेड, भैया हमारा शरीर भी इंफ्रारेड यहाँ पे इमिट कर सकता है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। मतलब कोई चीज का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपने कंडक्शन कन्वेंशन रेडिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता लगा, ठीक है। देखो अबाउट द 60% कितना 60% सोलर रेडिएशन इंफ्रारेड इन नेचर, मतलब सन से मिलता है। ये थर्मोकपल्स है, थर्मोमोबाइल है, बैलोमीटर आर यूज टू द डिटेक्ट द इंफ्रारेड। देखो बैलोमीटर तो हमारा है ना ये इंफ्रारेड को मेजर करने के डिवाइस है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर गिनने के लिए थर्मोमीटर्स होता है पता है ना, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो गिनते हैं हम लोग थर्मोमीटर से गिनते हैं, वैसे भैया इंफ्रारेड अगर आपको गिनना है तो ये बॉलोमीटर से हम लोग गिन सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज भैया देखो, व्हेन इंफ्रारेड आर इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गेट हीटेड, बराबर हीट हो जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड भैया हीट होना ना होना, ये कितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है कितना बाहर जा रही है, तो ये चीज जो होगी ये बाहर नहीं गया तो जल्दी से हीट हो जाएगी चीज, ठीक है ना। तो ये कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन रेट, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। ये डिपेंड करता है कि इंफ्रारेड इंसिडेंट कोई ऑब्जेक्ट पे हो तो कितनी हीट हो रही है देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दीज रे स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व बाय गैस, सबसे ज्यादा इस इंफ्रारेड को स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व करने का काम गैस करता है, मतलब गैस सबसे ज्यादा इंफ्रारेड जितने भी हीट आ गई उतनी की उतनी वो मैक्सिमम वो गैस ग्लास सॉरी ग्लास है ग्लास यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिक कॉलम ऑफ फॉग, मतलब फॉग में से वो छेद के चली जाती है चीर के चली जाती है मिश और क्लाउड कोर, मतलब इससे ऐसे फाड़ के बाहर आ सकती है ना, पेनिट्रेट होना मतलब क्या किसी चीज को तोड़ के बाहर आ रहा है, ठीक है। यूजेस देखते हैं बच्चों, यूज इन रिमोट सेंसिंग, हमारे रिमोट पता भैया देखो मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट में यहाँ पे ये देख रहा है ये सिग्नल जाते, देखो मैं एसी लगा रहा हूँ फिलहाल में, ये सिग्नल जाते दिखते नहीं लेकिन ये दिख रहा है आपको, देखो ये यहाँ पे नहीं क्या एक छोटा सा मतलब लाइट है वो इंफ्रारेड पास करता है, ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग काम करता है। यूज इन डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल ट्यूमर एंड मतलब आपके जो वेन्स होते हैं ट्यूमर्स होता है तो ये मेडिकल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। यूज टू द मतलब आप लोग है ना यार ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पैरालिसिस है बहुत सारे है, कभी फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में भी कौन सा फ्रैक्चर है दिखने के लिए काम आता है। सोलर वाटर हीटर कुकर है भैया, जैसे कि हम लोग हमारे घर के ऊपर जो भी सोलर हीटर सोलर वाटर लगाते हैं कुकर लगाते हैं है ना, उससे हम लोग हमारा पानी गर्म करना खाना पकाना ये इंफ्रारेड जो सेनो रेडिएशन से जो आते हैं इससे काम करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। फोटोग्राफ निकालते हैं हमारे कोई भी कुछ फ्रैक्चर रहे है ना तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूजेस देख सकते हैं, मैं इतना बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पे एक और है ना ग्रीन हाउस वॉक है यूज टू रिमोट कंट्रोल है टीवी वीसीआर एक्सेट्रा, मतलब इतने सारे इंफ्रारेड के आप लोग यूज देख सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ भैया आपके बुक्स में इतने दिए ना इससे कई गुना ज्यादा आप लोग आपने यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे इंफ्रारेड व्यूज या गूगल पे डालोगे तो आपको लाखों यूजेस मिलेंगे भैया, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, विजिबल लाइट जो कि हम लोग आंखों से देखते हैं जो कलर होते हैं सेवन विब गौर कहते हैं हम लोग विब गौर है ना शॉर्टकट में, देखो इट इज द मोस्ट फैमिली फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इसलिए हम लोग आज मैं आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे है ना तो इसका रीजन ही है भैया विजिबल लाइट। दिस वेव आर डिटेक्ट बाय द ह्यूमन आईज, हाँ सर आंखें है आंखें खुली हो बंद हो
दिलदार जिस करते हैं ना, तो ये ह्यूमन आई से ये वेवलेंथ रेंज है भैया, इस कॉल्ड द विजिबल लाइट, एंड विजिबल लाइट इज इमिटेड ड्यू टू द एटॉमिक एक्साइटेशन। और हमने देखा था कि 700 टू यहाँ पे 400 तक हम लोगों ने देखा था कि इसके बीच में इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी के बारे में बात करो तो मीडियम होती है, तो ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ ड्यूज राइट द डिफरेंट कलर, देखो हर की वेवलेंथ के हिसाब से, आप लोग जैसे इधर जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ गई तो इसका कलर का लाइट का कलर भी बढ़ता है। हम लोगों को पता है कि डिफरेंट कलर के कारण, डिफरेंट वेवलेंथ के कारण ही हम लोगों को डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, नहीं तो क्या है, हम लोगों को एक ही कलर समझ में आता था। देखो हम लोगों स्पेक्ट्रम में से कोई लाइट को पास कर तो इसकी वेवलेंथ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रेड की देखो सबसे ज्यादा रेड का जो कलर है हमको लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसकी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ के कारण दिखाई दे रहा है। विजिबल लाइट इमिटेड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड प्रीवियस इंफॉर्मेशन अबाउट दोस ऑब्जेक्ट इन द अबाउट द सराउंड, मतलब ये जो है अलग अलग कलर दिखाई देता है, ये इसका वेवलेंथ का ही रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज डिस्कवर बाय द रिटर नाम के साइंटिस्ट है भैया, उन्होंने 1801 में इसके बारे में बताया। दे कैन प्रोड्यूस द मर्क्यूरी वेपर लैंप है, उससे उन्होंने बनाया था है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क है, कार्बन आर के लैंप। दे कैन आल्सो ऑब्टेन बाय स्ट्रिकिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इन हाइड्रोजन एंड ज़ेनॉन गैस ट्यूब है ना। द सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, बराबर है, द मोस्ट ऑफ विच ऑब्जर्व बाय ओजन लेयर। हाँ भैया ओजन लेयर है इसलिए हम है, इसलिए ओजन कम हुआ ना, तो अगर अल्ट्रा वायलेट रे पूरे आ गए तो हमारा शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा भैया, ठीक है ना। ये शरीर को ने क्या मतलब ज्यादा लॉस भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ने क्या ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए है ना, ताकि हीट कम हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बिना काम की गैस को कम किया जाए ताकि उसकी जो लेयर है कम ना हो जाए, ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट रे जो है डिस्कवर बाय रिटर नाम के साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। दे प्रोड्यूस द मर्क्यूरी वेपर स्लैम है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क से कार्बन से लैम्प से तैयार करते भैया ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाइड्रोजन एंड ज़ेनॉन गैस ट्यूब से बनाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं ज्यादा, आप लोग बोलेंगे सर ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, भैया थ्योरी है, इसको कोई पढ़ाने का मतलब कोई नॉलेज देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यह हिस्ट्री जैसे जैसे कि कोई हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, लिख दी भैया थी उन्होंने लिख दी, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं, दे प्रोड्यूस द फ्लोरेसन इन सर्टेन मटेरियल सच एज द फॉस्फरस, ठीक है। दे कॉजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एक चैप्टर है आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो। इट कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास बट पास थ्रू द क्वार्ट्ज है ना, मतलब ये ग्लास से पास नहीं होता है लेकिन भैया ये पास हो सकता है क्वार्ट्ज से, फ्लोराइड से, रॉक सॉल्ट से हो सकता है, ये पास हो सकता है। दे पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसिस विटामिन डी है ना, व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड, मतलब विटामिन डी की मिलता है आपको पता है। यूजेस क्या भैया, अल्ट्रा वायलेट रे डिस्ट्रॉय द जर्म्स बैक्टीरिया, दे आर यूज फॉर द स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आपको प्यूरिफिकेशन वाटर करना है तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना तो उस रूम को स्टरलाइजिंग किया जाता है, क्यों भैया, उसको मराठी में कहते हैं निर्जंतुकरण करने, मतलब उसमें कुछ जो अनवांटेड जो मतलब ये रहते हैं उसको क्या बोल सकते हैं मराठी में, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जो अपन बोलते हैं ना यहाँ पे जंतु, जंतु बोलते हैं जंतु मराठी में है ना, तो जंतु ना उसको सबको मार दिया जाता है उस रूम में, ऑपरेशन थिएटर में जहाँ ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। या अल्ट्रावायलेट डिस्ट्रॉय द जर्म्स, जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बैक्टीरिया है ना, इनका ना काम के इसको कर सकते हैं। यूज इन द बर्गर अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम, इसमें भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश द रियल एंड फेक जर्म्स, मतलब क्या होता है भैया, जो सोनार होते हैं ना सोनार, वहाँ पे है ना जो फेक जेम्स मतलब फेक्स और रियल कुछ ऐसे दागिने बोलते हैं ना, हमारे जो लेडीज गहने पहनते हैं उसको फेक और रियल है या नहीं है उसको पहचानने में भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रियल या फेक है, इसके लिए भी हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जा सकता है। यूज इन एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड है ना, मतलब केमिकल कंपाउंड को भी एनालिसिस करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद में यूज टू द डिटेक्ट द
मतलब हर चीज को ऐसे बहुत सारे यूजेस बता सकता हूँ मैं, इसको ज्यादा यूजेस पढ़ा रहा नहीं है, शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अभी दो ही एक्सरे बाकी है और एक गामा रे बाकी है। तो एक्सरे जो भैया जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने, WC रेंगटोन ने, उन्होंने एक्सरे के बारे में बताया। देखो भैया हम लोग एक्सरे ना होते ना तो हमारे शरीर के अंदर कोई जहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, कुछ हो चुका है, उसको सर्च नहीं कर पाते थे। लेकिन एक्सरे के कारण यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सरे के कारण यहाँ पे हम लोग फ्रैक्चर देख सकते हैं कि यार शरीर में कोई फ्रैक्चर है क्या, और वो शरीर के अंदर से तो जाता है लेकिन हमारे बोन के अंदर से पास नहीं होता। देखते हैं क्या क्या दिखाया। देखो डिस्कवर द एक्सरे 1895 व्हाइल स्टडी द कैथोड रे व्हिच इज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड इन वैक्यूम ट्यूब। एक्सरे आल्सो कॉल्ड द इसको रेंगटोन रे या एक्सरे कहा जाता है, प्रोड्यूस द कैथोड रे सडनली स्टॉप बाय द ऑब्स्टेकल्स। देखो कोई ऑब्स्टेकल को यहाँ पे ये चार्ज जो है फास्ट आके उसको क्या करते भैया, स्टॉप करते। ठीक है, एक इनर कुछ तो ऐसा एक वर्ड है, देखो इनर भी मतलब क्या होता है, ये जो एटम्स होता है ना, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया जूम इसके ऊपर कोलाइड्स हो गया। कोलाइड्स हुआ मतलब नॉकआउट होना, ये बाहर आता, बाहर आया तो इसका हायर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन से इसमें आता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आता है भैया तब कुछ एनर्जी बाहर चली जाती है, और वो एनर्जी जो होती है वो एक्सरे के फॉर्म में होती है। मेरी बात समझ में आ रही भैया, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो इनर कोई ये आ गया, ठीक है, आ गया इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी समझो चार्ज पार्टिकल आ गया, इसके ऊपर कोलाइड्स हो गया, जैसे कोलाइड्स होने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो ये जगह खाली होगी। अब ये जगह खाली तो ये आउटर ऑर्बिट क्या बोलेगा, यार मैं स्टेबल हो जाऊं, अंदर आता है, जब अंदर आता है तब एनर्जी उसको कुछ लॉस करना पड़ेगी। क्यों भैया, यहाँ पे जो एनर्जी होती, समझो एग्जांपल सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहा तो मेरे ख्याल से -3.4 इलेक्ट्रॉन होल्ड रहती है, और यहाँ जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड फर्स्ट ऑर्बिट में। आपको पता नहीं है, मुझे पता है, इसके लिए आप लोग 12th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आ रहा है तब एनर्जी इसको रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ये एनर्जी का गैप है, गैप को उसको कम करना है तो एनर्जी बाहर जाती है, तो ये एनर्जी होती है एक्सरे के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही भैया। तो ये ऐसे बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस द व्हेन कैथोड रे आर सडनली स्टॉप बाय ऑब्स्टेकल, सडनली स्टॉप होता है, ये भी होता है, और इसको दूसरा एक ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सरे यहाँ पे पैदा होते, ओके, मतलब ऐसे एक्सरे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है एनर्जी। देखो दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट है भैया, अगर आप लोग देखोगे ना, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, एक्सरे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब एक्सरे की गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है, समझे। आप देखो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको इस बात पे समझ में आता होगा कि एनर्जी ज्यादा क्यों, क्योंकि भैया इसकी जो लैम्डा है ना, लैम्डा वो गिर गया है, कम हो गया है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, करेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा, किसके लिए, एक्सरे के लिए। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, भैया ये जो है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से डिफ्लेक्ट नहीं होते, नहीं तो क्या होता है, समझो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करूँ तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है भैया, दौड़ता है इलेक्ट्रॉन, समझे ना, या मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया तो, लेकिन यहाँ पे ये दे आर नॉट, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते एक्सरे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या मैग्नेटिक करो, कुछ भी करो, एक्सरे आयोनाइज द गैसेस थ्रू द विच दे आर पास, है ना, एक्सरे या आयोनाइजेशन गैस में भी रखा तो दे पास हो सकता है। हाई पेनिट्रेंट पावर है भैया, किसी के अंदर से भी अंदर छेद करके चले जाता है, जैसे कि मेरे शरीर के अंदर अगर मुझे एक्सरे निकालना है मेरे केज का, है ना, थोरेसिक केज का, तो अंदर से ये रे आएंगे और शरीर के अंदर से चले जाते हैं, पास होते हैं, ठीक है, लेकिन बोन से नहीं होते हैं, बोन से नहीं होते, लेकिन मेरे शरीर से पेनिट्रेट करते हैं, मतलब छेद के अंदर चले जाना। देयर ओर डस कैन किल द लिविंग प्लांट एनिमल ओवर डोज द टिश्यू दे आर हार्मफुल, भैया उन्होंने कहा है कि देयर ओवर द डोज अगर देते हो तो लिविंग प्लांट, ठीक है, या एनिमल को ओवर डोज दोगे टिश्यू का तो वो हार्मफुल होता है, ये बात पता।
यूजेस देखेंगे। यूजफुल द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टडी करने में ये हेल्प आता है ना। जो भी क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तब हम लोग एक्सरे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये हम लोगों को पढ़ना नहीं, वो पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी। मैंने पहले बोला भैया कि इसको नहीं क्या और लूप करना है, टेंशन लेना नहीं, और लूप करना है ओनली, बस ज्यादा टेंशन नहीं है, अंदर घुसड़ना नहीं है किसी चीज पर, ऊपर ऊपर से हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि कंप्यूटर पढ़ने के लिए एमएचटी सीटी का कोर्स करते बच्चे, क्या अंदर सीपीयू में क्या है झांक के नहीं देखना भैया आपको, ठीक है ना, ऐसी बात है। एक्सरे फोटोग्राफ आर यूजफुल टू है ना डिटेक्ट द बोन फ्रैक्चर, अगर बोन के फ्रैक्चर हो तो हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं भैया, सबको पता है, ठीक है ना। एक्सरे हम मेनी अदर मेडिकल यूजेस है भैया, सीटी स्कैन निकालते हैं, पता है ना आपको, सीटी स्कैन निकालते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है क्या, क्या है क्या। एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट द फ्लॉस और क्रैक इन मेटल, मेटल में कोई क्रैक है क्या कुछ, है ना, तो ये चीजें ढूंढने के लिए भी काम आता है। दीज आर यूज टू डिटेक्शन ऑफ, हाँ मतलब देखो मैं तो इतना बता रहा हूँ, अगर आप लोग गूगल पे जाओगे और टाइप करोगे यूज ऑफ एक्सरे, हजारों लाखों मिलेंगे, मेडिकल में, कंपनी में, है ना, इतने मिलेंगे यार। हम लोग तो उसको क्या बोल रहे, शॉर्टकट देख रहे, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। आपको आएगा क्वेश्चन कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे और यूज ऑफ एक्सरे, बस इतने ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आप लोग 11th में है लेकिन उसका पता होना बहुत जरूरी है। लास्ट और फास्ट बात करने जा रहे हैं गामा रे, जिसकी भैया सबसे ज्यादा एनर्जी हो सकती है। क्यों भैया, मैंने आपको पहले बताया वेवलेंथ, मतलब क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसकी और वेवलेंथ इसकी कम है। तो बात करते हैं डिस्कवर्ड की वाला, विलार्ड, पी विलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1900 साल में, गामा रे आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर सम रेडक्टिविटी एलिमेंट सच एज द यूरेनियम। आपको यूरेनियम क्या करता है पता है भैया, ये यूरेनियम ने का स्पॉन्टेनियसली इमिशन करता है, क्या एक्सरे, गामा रे, है ना, बीटा रे। तो ये जो इमिशन जो होता है ये कौन से जिसमें ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर ये जो होता है, जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, ऐसे बहुत सारे है, वो अपनी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो इमिशन करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसी को गामा रे इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्रॉम रेडक्टिविटी एलिमेंट सच एज यूरेनियम एंड रेडियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बात करते हैं अभी, हाई एनर्जी भैया, अरे एनर्जी हाई है, गीगा इलेक्ट्रॉन होल्ड, गीगा समझते हो, गीगा मतलब 10^9 इलेक्ट्रॉन होल्ड, इलेक्ट्रॉन होल्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो 1.6 10^-19 जूल, जूल में कन्वर्ट कर सकते उसको। किलो मतलब 10^3, समझे ना भैया, किलो मतलब 10^3 मतलब हजार, और एक एक के ऊपर 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया भैया इलेक्ट्रॉन होल्ड, समझ सकते हो आप लोग, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है। क्यों ज्यादा है, आपको मैंने पहले ही बताया भैया कि यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हो, डबल दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो ये फ्रिक्वेंसी इधर इंक्रीज हो रही है और लैम्बडा इधर इंक्रीज हो रहा है, लैम्बडा सबसे ज्यादा है रेडियो वेव्स का और फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण, गॉट इट, बढ़ना आगे चलो। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी, वेवलेंथ सबसे कम होगी भैया इसकी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। दे आर हाईली पेनिट्रेटेड, एनर्जी ज्यादा है और पेनिट्रेटेड मतलब किसी चीज को छेद के चले जाना, आर पार चले जाना, है ना, तो ये गामा रे पेनिट्रेट होके चले जाते। दे हैव स्मॉल आयनाइजिंग पावर, मतलब आयोनाइजेशन जो पावर है कम है उसका। दे किल लिविंग सेल, सेल जो होता है ना लिविंग सेल, उसको नहीं क्या भैया मार सकता है ये गामा रे, मतलब इतना, इसलिए तो जो गेहूं होते हैं ना, गेहूं या कुछ ही, उसको हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं, ऐसे टाइम पे गामा रे उसके ऊपर इंसिडेंट करके देते हुए हम उसको कर सकते हैं, मतलब उसको ज्यादा दिन स्टोरेज कर सकते हैं। देखो यूजेस देखेंगे, यूज एज द, मतलब आप लोगों को जैसे वीट के ऊपर करना, मैंने अभी बताया आपको, फूड प्रिजर्वेशन, मतलब अगर हम लोगों को फूड को प्रिजर्वेशन करके रखना है तब उसके ऊपर गामा रेज को मारा जाता है, ऐसे मशीन्स रहती है उसके अंदर। रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड ट्यूमर, जो मेडिकल में भी यूज किया जाता है गामा रेज का, रेडियोथेरेपी होती है ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर और ट्यूमर की। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन भी करते हैं। और एक बात बताओ, जो हम लोग अचार डालते हैं, अचार पता है ना,
अचार गोभी के ऊपर भी मारा जाता है, या फिश होती है कि जैसे बॉम्बे से दूर जाती है, 15 15 महीने, एक एक महीना लगता है कभी कभी ट्रांसपोजिंग में, इतने दिन तो नहीं होता है समझो, कंसिडर करो 10 दिन भी लगते हैं, तो फिश तो खराब हो सकती है ना। तो इसके ऊपर भी गया मारे, जहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन आता है भैया, सब तरफ हम लोग गया मारे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेक्स्ट पॉइंट देखना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि भैया एक ही टाइम पे ज़्यादा ओवरडोज दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे, है ना। तो सोचना तो पड़ता है आपके लिए भी। तो बच्चों ये चैप्टर में जल्दी ही खत्म करने होगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा शेयरिंग होना चाहिए, ज़्यादा लाइक्स आना चाहिए, और भैया साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि 12th का मैंने पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है आपके लिए भी। 11th के नियर अबाउटली 9 चैप्टर खत्म कर चुका है, और भी चैप्टर चाहते हो तो प्लीज लाइक और शेयरिंग करो। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।